आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार ऐसा है कि फाइनली महिंदा राजपक्सा ने रिज़ाइन कर दिया। प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्सा, लेकिन बहुत ढीठ इंसान है। ये जो भाई हैं गोटाबाया राजपक्सा, जो इनका छोटा भाई है महिंदा राजपक्सा जो 76 साल का है, उसकी वजह से श्रीलंका की हालत हो गई। खुद तो बुढ़ा हो गया है ना, और वो बुढ़ाऊ ने पूरा देश ले डूबा। ठीक है, अब इसके जो चमचे हैं, जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं, वो लगातार परेशान कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीलंका ने आज तक कभी इतनी शानदार यूनिटी नहीं देखी थी। ठीक है, और अब पूरा श्रीलंका यूनाइट है। जो अपोजिशन पार्टी है SBJ, अब भाई जो अजीत प्रेमदासा हैं, अभी फ्राइडे को मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा, ये पूरा फैमिली ही है, पूरी जो कमान है ना वो परिवार के हाथ में ही है। उन्होंने सबको बुलाया ऑपोजिशन पार्टी को, लेकिन अजीत प्रेमदासा ने प्रधानमंत्री ऑफिस अभी नहीं लिया, उन्होंने मना कर दिया। अब इसी दौरान क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वॉयलेंस हो गया। अभी तक तो पीसफुल था सब कुछ, शांति प्रिय, लेकिन दोस्तों 5 लोग मारे गए हैं, 190 से ज्यादा लोग घायल है। आर्मी को बुलाया गया है कि भाई सबको मारो, लेकिन अभी आर्मी ने कोई कमेंट नहीं किया है। तो श्रीलंका की हालत इतनी बुरी कैसे हुई, इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स ले चुका हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने मोटिवेशन कोर्स की भी, क्योंकि सैटरडे संडे लाइव क्लास होती है, 230 रुपए का कोर्स है भाई, और बाकी और भी शानदार कोर्स हमने निकाले भाई, जरूर अवेल करो। तो प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्से ने मंडे को यानी कि कल रिजाइन कर दिया। ठीक है, बवाल हो रहा था भाई, गो गोटा गो के नारे लगी रहे थे, लेकिन दोस्तों इससे कुछ होगा नहीं। आपको क्या लगता है श्रीलंका के हालात बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, श्रीलंका बर्बाद हो चुका है। और श्रीलंका के हालात तभी बदलेंगे जब एक बहुत ही शानदार लीडर आए, जो अभी शायद नहीं दिख रहा है। फिर हो सकता है अपोजिशन पार्टी कुछ हद तक संभाल ले, लेकिन अभी भी श्रीलंका को पूरी तरीके से रिकवर होने में ना 5-10 साल लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने में 1 सेकंड लगेगा। आपको घर बनाने में तो कहिए 10 मतलब साल भर लग जाएगा, लेकिन नीचे गिराने में बस एक बुलडोजर ले आइए, खेल खत्म। ठीक है, तो वही श्रीलंका की इकॉनमी के साथ हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अभी भी इनका परिवार बाहर गया नहीं। देखिए ये पहले भी हो चुका है, 2015 में भी ये बाहर थे, लेकिन ये अपने परिवार वाले को बैठा देते हैं। अब जैसे गोटाबाया राजपक्सा जो है वो इनका छोटा भाई है, आप समझिए कि वो तो प्रेसिडेंट ही है ना भाई, इनके रिजाइन ना रिजाइन करने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे परिवार वाले तो है ही वहां पे, और पावर तो एक्चुअली वहां पे प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मतलब जैसे भारत की तरह है वहां पे, तो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो समझिए रिजाइन तो हो गया, बट क्या ही कर लोगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है ना कि यहां पे बदलाव ऐसे होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ हो गए हैं पूरी तरीके से, और प्रेशर में आने के कारण महिंदा राजपक्सा ने रिजाइन कर दिया। क्योंकि इन्हीं की वजह से, इनकी फैमिली बहुत बेकार है, इन्हीं की ही वजह से समझ लीजिए कि बेड़ा गर्क हो गया है श्रीलंका का। तो इनके सपोर्टर्स को ब्रूटली असॉल्ट किया है भाई, बहुत समय से देवर प्रोटेस्टिंग पीसफुली। ठीक है, शांति प्री प्रोटेस्ट चल रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, और प्रधानमंत्री घर के बाहर, राष्ट्रपति घर के बाहर, टेम्पल ट्री जो PM रेसिडेंस है कोलंबो में एकदम समुद्र के किनारे, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, और वहां पे बहुत जबरदस्त वॉयलेंस हुआ है। समझिए कि इनके जो मिनिस्टर है अनुकीता अजीब सा नाम है उनका, तो उन्होंने गोली चला दी। आप विश्वास करेंगे कि एक जो मंत्री है उन्होंने निकाली गोली और चला दी, 2 लोग मर गए, और फिर अपने आप को भी गोली मार ली क्योंकि भीड़ ने उनको घेर लिया था। ये हो रहा है। तो ये जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैं ये चल रहे हैं, और रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अब वही है कि कैबिनेट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई है, यानी कि अभी श्रीलंका में कोई सरकार नहीं है। डेफिनेटली ऑपोजिशन पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी, बट क्या वो पूरी तरीके से पाक साफ होगी पता नहीं। 3 लोग जो है, 5 लोग है बेसिकली, ठीक है, अलग अलग न्यूज में, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में 5 दिखा रहा है, मैंने द हिंदू से लिया है तो 3 दिखा रहा है, बट लोग मरे हैं 5 तो समझिए, और 190 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो वही चीज है कि सर, अब देखिए जो MP है, अच्छा सॉरी मिनिस्टर नहीं थे, अमर कीर्ति अथुरो काला, इन्होंने 2 लोगों को मारा और उसके बाद खुद भी अपने आप को गोली मार लिया। प्रॉब्लम यह है ना कि जो सरकार में है, जो मंत्री हैं, जो मेंबर्स हैं, लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों को बेसिक चीजें नहीं मिल रही हैं, लाइट आ नहीं रही है, बिजली गई वहां पे,
कर्ज आप चुका नहीं पाओगे, दवाइयां आ नहीं रही हैं, खाने के दाम आसमान पे, लोग पैसा है लोगों के पास लेकिन उसके बावजूद वो कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है। जो श्रीलंकन रुपया है वो अगर बात करो डॉलर के टर्म्स में तो 300 पार हो गया है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस समय श्रीलंका के लिए। लोग गुस्से में हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग निशाना बना रहे हैं घर को। जो सरकार के मेंबर्स, जो मिनिस्टर्स हैं या जो मेंबर्स हैं, उनके घर है ना, वहां पे हमला कर रहे हैं। लोगों का भी अब सब्र जो है ना वो जवाब दे रहा है, वहां पे हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। डेफिनेटली हिंसा तो सही नहीं होगी, लेकिन लोगों का सब्र अब पूरी तरीके से जवाब दे गया है। तो टारगेट किया गया महिंदा राजपक्षे के एंसेस्ट्रल हाउस को भी टारगेट किया गया है, वहां पे भी हमला। तो इन्होंने लगा कि भाई अब बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो इसीलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब इसमें कुछ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को जबरदस्त असॉल्ट किया। देखिए यहां से जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। हुआ क्या कि बहुत टाइम से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मंडे मॉर्निंग को, फ्राइडे को मीटिंग हुई। फ्राइडे को मीटिंग में कुछ देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो रिजाइन किया नहीं, तो प्रोटेस्ट और तेज हो गया। प्रधानमंत्री के बाहर, घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पे प्रॉब्लम हो गई। हुआ क्या, जो एक तरफ है सरकारी सपोर्टर जो बहुत कम है, सरकार को सपोर्ट वाले नाम मात्र के हैं, लेकिन उनके पास सरकार है, उनके पीछे सरकार है, तो उनको सारे हथियार सब कुछ उनको दिए हुए हैं। और एक तरफ है वो लोग जो सरकार के खिलाफ है, वो शांति से कर रहे थे, इसमें जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं। तो अब हुआ क्या कि जब ये इंसिडेंट हुआ भाई, क्योंकि एकदम से ये शांति प्री प्रोटेस्ट एकदम से वायलेंट हो गया है ना, जैसे ये एमपी ने गोली वोली चलाई तो एकदम से वायलेंट हो गया। लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, लोगों ने बसों को आग लगा दी, घरों पे पत्थरबाजी की। तो अब आप ये समझिए कि जो गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जो एंटी गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं उनको मारना शुरू कर दिया, और इससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया। ठीक है, तो ये चीज है। और उसके बाद वही है कि ये सब जो है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, गो गोटा गो, ये सब, ये बड़ा फेमस नारा है, इसके नारे लगाए जा रहे थे। अब टेंपल ट्री जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है, पीएम रेजिडेंस है, वहां पे ही ये हुआ है। मीटिंग के बाद जैसे ही मीटिंग हुई, तुरंत जो सपोर्टर्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स के टेंट्स हैं, जैसे क्या हुआ ना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर के सामने बड़े बड़े टेंट्स लगा दिए गए हैं, कोलंबो बीच पे बड़े बड़े टेंट्स लगा दिए गए हैं जो कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबके सब, पूरा श्रीलंका सड़कों पर है इस समय, और वही रह रहा है। तो दिमाग खराब हुआ यहां पे। और जो गव सरकारी जो हैं, इनके जो चापलूस हैं, ये महिंदा के जो जितने अपने भक्त बैठा रखे हैं, इन सब ने क्या किया, सब पूरा टेंट वेंट उजाड़ दिया, लोगों के ऊपर हमला करना शुरू किया। फिर लोगों ने बोला इसी की तैसी, रुको बेटा बहुत हो गया, गांधी जी अभी भगत सिंह के मेथड पे हम आते हैं, उखाड़ के फेंक दिया सब कुछ, है ना, दिमाग खराब। उसके बाद फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा। उनको पता कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे भाई, तुम लोगों से ज्यादा थोड़ी ना हो। देखिए सरकार को डर यह भी होता ना कि कहीं मिलिट्री टेक ओवर ना हो जाए। आर्मी तो इन सब चीजों को, हालांकि श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक आर्मी है, बट आप कुछ कह नहीं सकते। तो आर्मी ने अगर टेक ओवर कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सीधा तुमको फांसी लटकाई जाएगी। तो इसीलिए इसी प्रेशर में आके महिंदा ने दे दिया इस्तीफा। फिर उसके बाद जो प्रो गवर्नमेंट है, उन्होंने वही है कि लगातार लोगों को मारा। इसमें काफी एक्टिविस्ट थे, काफी जर्नलिस्ट थे जिनको, जो घायल हुए, और वॉयलेंस एस्केलेट हुआ। फिलहाल बड़ी बात यही है कि महिंदा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है, और अब सरकार जो है वो नई बनाई जाएगी। बट वही बात है कि क्या श्रीलंका बदलेगा, बड़ा सवाल तो यही है। ये मुश्किल है दोस्तों, मुझे देखिए बदलेगा, अब स्थिति बेहतर तो होगी, क्योंकि महिंदा राजपक्षे तो बहुत ही बेकार थे। अब ये चाइना की गोद में बैठने वाले इंसान था, ठीक है, ये पागल इंसान था एकदम, मतलब इसकी सटिया गया था बुढ़ापे में, ये चाइना की गोद में जाके बैठ गया था। डेफिनेटली जो सरकार आएगी, क्योंकि भारत ने श्रीलंका की बहुत ज्यादा मदद की है, लाइन ऑफ क्रेडिट, फ्यूल, चाइना भी पीछे हट गया था, चाइना ने भी इतनी मदद नहीं की, लेकिन भारत आगे आया है। तो अगर सरकार आएगी तो वो माइट बी पॉसिबल कि प्रो इंडिया हो, और इससे हमको ज्यादा मदद मिलेगी। तो भारत को अगर मदद मिलेगी तो डेफिनेटली भारत हेल्प करेगा श्रीलंका की, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, हम सबके साथ यही करते हैं, बस हम ही कोई धोखा मिलता है। एनीवे जो होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारा शानदार कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।